हेलो एवरीवन वाचिंग माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं कुछ पार्सल छोड़ने नीचे जा रही हूँ। आया 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 क्या आया? एक सेकेंड, 15-13। अरे बाप रे, इतना हैवी है। पकड़ो पकड़ो, लिफ्ट पकड़ो। आओ तो ऐसा जाएगी क्या? गाइस देखिए, मैंने इतना बड़ा भरा पकड़ के बाहर। अरे मेरा चप्पल है। तो गाइस कुछ पार्सल आने वाला है, छोड़ने वाला जा रही है। अरे दीदी लिफ्ट बुला रहे हैं, ऐसा बुला रही है, आ जाओ लिफ्ट। हाँ, आ जाओ, ऐसे भी नहीं बुलाया। तो गाइस ये बड़ा बिस्तर छोड़ने जा रही है मैं नीचे। ए दीदी को देखो क्या खा खा के मोटी हुई है। पता नहीं क्या खाती है दीदी, बोलो तो सही। मेरे को बोलती है तू तो पतली हो रही है, दुबली हो रही है। तो दीदी क्या खाती है जो भाई जैसा देखो इतना मोटा है? कुछ नहीं खाती, सिर्फ दाल चावल खाती, फिर भी मोटी हो रही। गैस दाल चावल से मोटा होता है क्या? होता है, क्यों नहीं होता है? अच्छा हाँ, तो बताइए जरा मेरे फ्रेंड लोग को बताइए। तो दाल चावल में अगर मोटा होते हैं तो मैं भी तू खा लेना। और छोटी हो रही, छोटी हो रही। अच्छा हाँ, ऐसा है क्या? दाल चावल खाने से मोटा रहते हैं गैस, और मैं दाल चावल खाती ही नहीं इसीलिए। हाँ, रोटी खाती हूँ ना ज्यादा। हाँ, रोटी का जैसा है हो रहा है अभी देखो। अच्छा ये नया वाला आइडिया है दीदी। हाँ। का जो मतलब रोटी खाने से पतला होते हैं और दाल राइस खाने से मोटा रहते हैं। हाँ, बिकॉज हम लोग देहाती है ना, इसीलिए सच्ची में बोल रही हूँ, सच्ची में बोल रही है 100%। गैस आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कुछ बोलेंगे? थोड़ा बोलिए। मैं क्या बोलूं? कुछ तो बोलो। कुछ तो कुछ तो बोलो, कितना शर्माती है, कुछ तो बोलो। और जब मैं कल आई गोवा से तो दीदी बोल रहे हैं अभी तू आ गई, मैं तो बहुत खुश में है बोल रही है। सच्ची में मैं बहुत खुश हो गया। अभी मेरी तो 10-15 दिन के बाद में छोड़ के जाने वाली है, फिर मैं अकेली होएगा। बताओ बताओ, मैं ओनली 10 दिन के लिए मुंबई है, फिर से जाएगी गोवा, तो फिर से दीदी अकेला हो जाएंगी, फिर मस्ती करने के लिए कोई है ही नहीं। सच्ची में अभी दिवाली में बिताएगा वापस, फिर मिलेगा बस। उस टाइम भी हम लोग आएंगे हफ्ते के लिए। हाँ। तो हम लोग का गैस जाना राना होता है गोवा से मुंबई, मुंबई से गोवा, बस हम लोग का ट्रिप ऐसा ही है। हाँ। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अच्छा है। तो गैस हम लोग टेरेस के अंदर बैठ के बातचीत कर रहे हैं फोन पे, और ये दीदी उसके फ्रेंड के साथ बात कर रही है। संडे है ना, तो ये किसी को बुला रही है मिलने के लिए, और जबरदस्ती बुला रही है, और इसको मैं धुले ही देने वाली हूँ बिकॉज हम लोग जाने वाले हैं नहीं है, और ये जो उसको जबरदस्ती बुला रहे हैं तो उसको मैं गाली दूँगी बिकॉज आज हम लोग का छुट्टी नहीं है ना। तो वो जाएंगे चर्च बोल के जबरदस्ती कर रही है, उसको धुले ही देगी मैं रात को। जाना मामू, हाँ कितने बजे हैं? 4 बजे टाइम दिए हैं। कितना बजे? 4 बजे। हाँ नहीं, 4 बजे स्टार्ट होता है, 5 बजे ख़त्म होता है। तो जाना है ना हम लोग को? हाँ तो जाएंगे ना। हाँ दीदी बोल रहे हैं जाएंगे बोल के, तो हाँ जरूर जाएंगे। चार बंगला मुंबई, चार बंगला में रहना है, अंधेरी चार बंगला। तो हम लोग जाएंगे प्रे के लिए, 4 बजे शुरू होगा, 5 बजे ख़त्म होगा, 1 घंटा का प्रे होता है। तो चलो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहेगा एंड बोलो बोलो बात बोलो बोलो। जाना है तो जाऊंगी और क्या, जाना है तो जाऊंगी और क्या बोल रही है? मतलब इसको बहुत ऐसे 5 बजे बहुत खुशी है दीदी को, जगह ही नहीं ना, मैं तो बहुत बार गई है दीदी को दिखाने के लिए, और ये किसी के साथ जा नहीं सकती। और जब मैं हूँ तो लेके जाऊंगी दीदी को, और जाके आएंगे, और कभी अकेले भी जा सकती है ना दीदी? हाँ। एक बार दिखा दूंगी तो कभी भी एक फ्रेंड लोग के साथ जा सकती है ना। तो चलो मिलते हैं।
तो हेलो गैस, हम लोग आज चौर जाने वाले थे, बिकॉज हम लोग का चौर जाने का कैंसिल हुआ। मौसम भी थोड़ा ख़राब है, बारिश आने का मकसद है, इसलिए हम लोग कैंसिल के अगले संडे जाएंगे। तो गैस, आज का ब्लॉग मेरा इधर ही एंड करती हूँ। तो सो गैस, तब तक ले जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।